दोस्तों आज की वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कैसे आपको शॉर्ट्स वीडियो यहाँ पे सही तरीके से अपलोड करना है, क्योंकि दोस्तों अभी भी कई लोग हैं जिन्हें यहाँ पर नहीं पता है कि शॉर्ट्स वीडियो कैसे यहाँ पे YouTube एप्लीकेशन पे अपलोड किया जाता है। क्योंकि जब भी वो शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करते हैं तो उनका लॉन्ग सेक्शन में चला जाता है या फिर यहाँ पे शॉर्ट्स सेक्शन में जाता ही नहीं उनका वीडियो। तो कैसे आपको अपलोड करना है ये सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो करना आपको कुछ नहीं है, बस ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है और आपको पूरा यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि शॉर्ट्स वीडियो कैसे यहाँ पे अपलोड किया जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हैं YouTube चैनल AV टेक्निकल टिप्स। और अगर आप अभी चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ऐसे YouTube रिलेटेड मोर कंटेंट देखने के लिए। तो जल्दी से चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि शॉर्ट्स वीडियो वो अपलोड कैसे किया जाता सही तरीके से YouTube एप्लीकेशन के ऊपर, तो वो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले अपलोड करने से पहले बात आती है यहाँ पे आपको वीडियो बनाना है, शूट करना है उसके बारे में। जैसे कि मैं आपको बता देता, जब भी अगर आपको शॉर्ट्स वीडियो यहाँ पे अपलोड करना है यूट्यूब पे, तब आपको दोस्तों जो आपका वीडियो है वो कैसे आपको रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्डिंग के लिए दोस्तों आपको हमेशा जो फ्रेम है 9:16 वाला सिलेक्ट करना है, यानी आपको वर्टिकल में अपना फ़ोन रख के यहाँ पे वीडियो को शूट करना है, ना कि हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल जो रेशियो रहता है वो यहाँ पे 16:9 का रहता है, उसमें आपको कभी भी यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड या फिर यहाँ पे शूट नहीं करना है। आपको हमेशा 9:16 या फिर 1:1 में ही यहाँ पे शूट करना है, जो कि एक वर्टिकल व्यू में हो जाता है। तो ऐसे में आपको वर्टिकल में शूट कर लेना अपना वीडियो। अगर आप दोस्तों वीडियो शूट कर लेते हो तो अब बात आती है यहाँ पे आपको एडिटिंग की, तो आपका एडिटिंग भी कंप्लीट हो जाएगा अगर आप जिस ऐप से भी एडिटिंग करना चाहें। फिर दोस्तों अब बात आती है यहाँ पे आपको वीडियो सही तरीके से कैसे अपलोड करना है यूट्यूब के ऊपर। तो सिंपल से आपको दोस्तों नीचे यहाँ पे यूट्यूब एप्लीकेशन में प्लस का सेक्शन मिल जाएगा नीचे, तो आपको सिंपल से प्लस वाले सेक्शन में क्लिक कर देना है। देन दोस्तों यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने में मिल जाएंगे, क्रिएट अ शॉर्ट और अपलोड वीडियो का। तो दोस्तों जब आप शॉर्ट वीडियो बनाते हो तो आप क्रिएट अ शॉर्ट से भी अपलोड कर सकते हो और अपलोड वीडियो वाले सेक्शन से भी अपलोड कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप क्रिएट अ शॉर्ट वाले सेक्शन यहाँ पे अपलोड करते हो तब दोस्तों आपको यहाँ पे ऊपर एक टाइमर का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको इस बात का हमेशा ख्याल रखना है ऊपर क्या सिलेक्ट है। अगर आपका दोस्तों यहाँ पे 15 सेकंड सिलेक्ट है तब आपको दोस्तों यहाँ पे जो भी आप वीडियो अपलोड करने जाओगे, जो आपने शूट किया था या फिर डायरेक्ट शॉर्ट सेक्शन से शूट करते हो, तब वो आपका यहाँ पे 15 सेकंड का ही यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। और अगर आप दोस्तों इस पर एक बार टैप करते हो तो यहाँ पे 60 सेकंड का ऑप्शन आ जाता है। अब दोस्तों अगर आप वीडियो अपने गैलरी से अपलोड करना चाहे तो वो 60 सेकंड तक का अपलोड हो सकता है, और डायरेक्ट आप यहाँ YouTube शॉर्ट से ही अगर वीडियो शूट करते हो तो 60 सेकंड का शूट हो जाएगा। पहले ये ऑप्शन आपको सिर्फ 15 सेकंड का मिलता था अगर आप डायरेक्ट अपने YouTube एप्लीकेशन से शूट करते हो, बट दोस्तों YouTube ने इसे बढ़ा के 60 कर दिया है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, अगर आप डायरेक्ट अपलोड वीडियो वाले सेक्शन से अपलोड करते हो तब आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है, आपका जो शॉर्ट्स वीडियो वर्टिकल व्यू में होना चाहिए और वो 60 सेकंड से यहाँ पे कम होना चाहिए, यानी 59 ऐसा कुछ होना चाहिए। तो सिंपल से आपको वीडियो सिलेक्ट कर लेना अपने गैलरी से। तो गैलरी वाले ऑप्शन से जैसे आप वीडियो सिलेक्ट कर लेते हो तब नीचे आपको यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन देने के लिए मिल जाएगा। तो सिंपल से आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन दोस्तों आपको करना है, नीचे ही आपको 3 से 4 ऑप्शन देने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे कुछ टेक्स्ट यहाँ पे लिखना चाहे अपनी वीडियो के ऊपर, फिल्टर्स रखना चाहे, ये सारे ऑप्शन आपको देने के लिए मिल जाते हैं। ये सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट वाले ऊपर ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने वीडियो का टाइटल, डिस्क्रिप्शन ये सब लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपल से आपको जो भी आप वीडियो में लिखना चाहे, टाइटल जो रखना चाहे वो आप रख सकते हो अपने हिसाब से। फिर दोस्तों टाइटल कंप्लीट होने के बाद आपको टाइटल का हैशटैग शॉर्ट्स देना है। YouTube पहले भी ये बताया था जब दोस्तों शॉर्ट्स यहाँ पे लॉन्च किया था, और अभी भी कहता है जब भी आप शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करो तो आपको हैशटैग शॉर्ट्स देके ऐसा आपको टाइटल में मेंशन करना है, तो आपको वो कर देना है। फिर दोस्तों टाइटल कंप्लीट होने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन आता है विजिबिलिटी का, तो आप दोस्तों जब भी अपलोड करते हो अपने वीडियोस को आपको हमेशा अनलिस्टेड में ही करके अपलोड कर देना है। इतना होने के बाद दोस्तों आपको ऑडियंस सिलेक्ट करना है। अगर आपकी ऑडियंस चिल्ड्रन है, किड्स है, या फिर किड्स नहीं है तो उसके साथ आपको सिलेक्ट कर लेना है। किड्स है तो यस सिलेक्ट कर लेना है, और नहीं है तो नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। देन दोस्तों आपको अपना शॉर्ट वीडियो का अपलोड कर देना है। जैसे ही आपका शॉर्ट वीडियो अपलोड हो जाए, वो अनलिस्टेड में था, तो आपको सिंपल से अपना YT जो स्टूडियो एप्लीकेशन उसे ओपन कर लेना है। फिर दोस्तों आपको अपने वीडियो के हिसाब से यहाँ पर टैग दे देना है, डिस्क्रिप्शन दे देना है, जैसा आपको अपना जो वीडियो का टाइटल रखा है उसके हिसाब से। और चाहे तो दोस्तों अगर आप अपने वीडियो पर थंबनेल लगाना चाहे तो आप क्रोम के स्टूडियो पर जाके वहाँ से आप थंबनेल लगा सकते हो। यहाँ पर आपको स्टूडियो पर एप्लीकेशन पर कोई भी थंबनेल का ऑप्शन शॉर्ट्स पर देखने के लिए नहीं मिलता है। तो यही कुछ दोस्तों यह तरीका था जो शॉर्ट्स वीडियो कैसे अपलोड किया जाता है। आपको हमेशा ख्याल रखना है अगर आप यहाँ पर शॉर्ट्स वीडियो डायरेक्ट बनाते हो YouTube एप्लीकेशन से, तो वहाँ पे 15 और 60 सेकंड का हमेशा ऊपर आपको ध्यान रखना आपने क्या सिलेक्ट करके रखा है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे शूट कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा कि कैसे यहाँ पे शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किया जाता है। वीडियो पसंद आता है वीडियो का लाइक करना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल AV टेक्निकल टिप्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ऐसे YouTube रिलेटेड और मोर कंटेंट देखने के लिए। तो बस फ्रेंड आज के लिए वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।